आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अलमास। पहले एक अपील। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-7-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को तेल और गैस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुधार जारी रहेंगे। आज पुलिस स्मारक दिवस है। पुलिसकर्मियों के बलिदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए प्रदेश में किए जा रहे हैं कार्यक्रम। और T20 विश्व कप क्रिकेट में भारत ने दूसरे अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत खुलेपन, आशावाद और अवसरों की भूमि है। यह नए विचारों, संभावनाओं और नवाचारों से भरी हुई है। श्री मोदी ने कच्चे तेल के भंडारण सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता की भी बात की। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैश्विक तेल और गैस क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बातचीत कर रहे थे। श्री मोदी ने पिछले 7 वर्षों में तेल और गैस क्षेत्र में किए गए सुधारों पर विस्तार से चर्चा की, जिनमें खोज और लाइसेंस नीति, गैस विपणन, कोयला खान से मीथेन संबंधी नीतियां, कोयला गैसीकरण और भारतीय गैस विनिमय में हाल के दिनों में आए सुधार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत को तेल और गैस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ ऐसे सुधार जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों को भारत में तेल और गैस क्षेत्र की खोज और इनके विकास में भारत के साथ भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया। बातचीत में दुनिया भर के उद्योग जगत के जाने माने लोगों ने हिस्सा लिया। उपस्थित सीईओ और उद्योगपतियों ने कहा कि भारत स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के नए रूपों को तेजी से अपना रहा है और यह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आज पुलिस स्मारक दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को देश के प्रति पुलिसकर्मियों की निष्ठा और सर्वोच्च बलिदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वर्ष 1959 में आज ही के दिन लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स के दुर्गम क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने वीरता और बलिदान की गाथा लिखी थी। उस समय लापता टोही दल की खोज में गए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और खुफिया ब्यूरो 20 कर्मियों के दल पर चीन की सेना ने घात लगाकर हमला कर दिया था। जवानों ने बड़ी संख्या में हथियारों से लैस चीनी सैनिकों के अचानक हमले का वीरता से मुकाबला किया। इस हमले में देश की रक्षा करते हुए सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद हो गए थे। हमारी नीमच संवाददाता ने बताया कि आज नीमच के कनावटी पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया है। केंद्र सरकार दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए पूरे प्रयास कर रही है। इस समय देश में दिव्यांगों की संख्या लगभग 2,67,00,000 है। ये बात भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कल भोपाल में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लगभग 6,40,000 दिव्यांगजनों की संख्या है। इन्हें भी विकास की मुख्य धारा में शामिल किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि कानूनों के संबंध में श्री आठवले ने कहा कि किसानों के हितों के लिए केंद्र सरकार और उसके द्वारा बनाए गए 3 कानून किसानों के में है और इससे किसानों को फायदा पहुंचेगा। श्री अठावले ने बताया कि मौजूदा वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार ने स्कॉलरशिप के लिए 335 करोड़ रुपए की मांग की है। उन्होंने आश्वस्त किया कि वे इस राशि की मांग को पूरा करने के प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में अभी तक लगभग 3,63,00,000 और 55,000 जनधन खाते खोले गए हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में लगभग 1,19,18,000 लोगों को लाभ मिला है। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश के लगभग 24,55,000 लोगों को आवास की सुविधा मिली है।
कश्मीर में आतंकी वारदातों और पुंछ और राजौरी में जारी मुठभेड़ में बीच सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्यवाही तेज कर दी है। कल शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में 1 जवान शहीद हो गया और 2 जवान घायल हो गए। शहीद जवान लाल कर्णवीर सिंह राजपूत सतना जिले के रामपुर बघेलान के दलदल गांव का रहने वाला था। शहीद कर्णवीर सिंह 21 राजपूत 44 रेजिमेंट में कार्यरत थे। उन्होंने सेना ज्वाइन किए 4 साल हुए थे। उनका पार्थिव शरीर आज सतना लाया जा सकता है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति इस समय बिहार की 3 दिन की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति मुख्य समारोह को संबोधित करने से पहले विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मारक स्तंभ की आधारशिला रखेंगे और बोधि वृक्ष का पौधरोपण करेंगे। विधानसभा भवन में 7 फरवरी 1921 को संयुक्त बिहार और ओडिशा प्रांतीय परिषद के पहले सत्र का आयोजन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के झज्जर परिसर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष सुधा मूर्ति उपस्थित रहेंगी। T20 विश्व कप क्रिकेट में कल भारत ने दुबई में दूसरे अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ के 57 रन की बदौलत 153 रन का लक्ष्य दिया। भारत ने 13 गेंद शेष रहते 2 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने 60 रन बनाए। विश्व कप के सुपर 12 में क्वालिफाई करने के मुकाबले में श्रीलंका ने आबूधाबी में ग्रुप ए के मैच में आयरलैंड को 70 रन से हरा दिया। ग्रुप ए के क्वालिफायर मैच में नामीबिया ने नीदरलैंड पर 6 विकेट से जीत दर्ज की। इसके साथ ही नीदरलैंड ग्रुप ए से बाहर हो गया है। ग्रुप स्तर के मैचों में आज दिन में 3:30 बजे बांग्लादेश का मुकाबला पापुआ न्यू गिनी से और शाम 7:30 बजे स्कॉटलैंड का सामना मेजबान ओमान से होगा। क्वालिफायर की 4 शीर्ष टीमें सुपर 12 की अन्य टीमों में शामिल हो जाएंगी। विश्व कप मुकाबले 23 अक्टूबर से शुरू होंगे। आकाशवाणी से विश्व कप मैचों की बॉल टू बॉल कमेंट्री 23 अक्टूबर से प्रसारित की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर के अपर कलेक्टर ने बताया कि 21 अक्टूबर को नवीन कलेक्ट्रेट भवन में बीसी एंड पीएनडीडी एक्ट जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई है। जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में कठपुतली कला की विविध शैलियों पर एकाग्र पुतुल समारोह का आयोजन 20 से 24 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। शिवपुरी जिले के ग्राम पंचायत सतनवाड़ा में 22 अक्टूबर को ग्राम न्यायालय का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को तेल और गैस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुधार जारी रहेंगे। आज पुलिस स्मारक दिवस है। पुलिसकर्मियों के बलिदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए प्रदेश में किए जा रहे हैं कार्यक्रम। और T20 विश्व कप क्रिकेट में भारत ने दूसरे अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।